Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Oppo बहुत ही जल्द इंडिया में Oppo K5 स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। बेसिकली ये फोन Oppo K3 का सक्सेसर होगा। अगर आपका बजट 17 से 20 हजार के आसपास है और Oppo का कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस फोन के 6 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं, ये फोन ऑफिशियली चाइना में लॉन्च हो चुका है और ये फोन दिसंबर के आसपास आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा और वो भी काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर, क्योंकि इंडिया में ओप्पो की के सीरीज कम प्राइस की वजह से ही जानी जाती है। जो प्राइस है वो मैं आपको आगे एंड में बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहला रीजन है इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। ओप्पो के मोस्ट ऑफ फोन पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको ग्लास बिल्ड के साथ देखने को मिलेगा। रियर साइड एज वेल फ्रंट साइड दोनों ही तरफ ग्लास दिया गया है, जिसकी वजह से ये फोन दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। फाइनली यहाँ पर कॉम्पिटिशन को देखते हुए ओप्पो ने ग्लास बैक ऑफर कर दिया है, तो इस फोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी इम्प्रेसिव है। आपको इन हैंड फीलिंग भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। सेकेंड रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन की बैटरी। इस फोन में 4000 mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन का जो प्रोसेसर है वो 8 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिलने वाला है। साथ ही साथ इस फोन में वुक चार्ज 4.0 का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से ये फोन तकरीबन 1 घंटे के आसपास फुल चार्ज हो जाता है, तो ये भी इस फोन का एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही साथ एडिशनल फीचर्स की बात करूं तो यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फेस अनलॉक का फीचर्स भी देखने को मिलता है। थर्ड रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन की डिस्प्ले। यहां पर हमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है और वो भी सुपर एमोलेड पैनल के साथ। मोस्ट ऑफ Xiaomi के फोन इस प्राइस रेंज में IPS डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहां पर Oppo ने सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की है। 91% से भी ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, मतलब जो बेजल है वो काफी कम देखने को मिलेंगे, तो डिस्प्ले को लेकर यहाँ पे Oppo ने काफी अच्छा काम किया है। फोर्थ रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन की रैम और स्टोरेज। ये फोन चाइना में 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हुआ है, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो तीसरा वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। और अच्छी बात तो ये है इस फोन का जो रैम का टाइप है वो है LPDDR4X रैम और जो स्टोरेज का टाइप है वो है UFS 2.1। और ये फोन ड्यूअल बैंड वाईफाई को भी सपोर्ट करता है और साथ में यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। फिफ्थ रीजंस की बात करूं तो ये हैं इस फोन के कैमरास। यहां पर आपको सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और रियर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ। और यहां पर सैमसंग GW1 सेंसर का यूज किया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसके अलावा जो फोर्थ कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है और साथ ही साथ आप यहां पर 4K 30fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं, तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी ओप्पो ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। सिक्स रीजंस की बात करूं तो ये है इस फोन का प्रोसेसर। तो इस फोन में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इस प्रोसेसर की जो खास बात है, ये प्रोसेसर 8 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पर बना है, यानी कि जो चिपसेट का साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड भी ज्यादा है और क्लॉक स्पीड ज्यादा होने की वजह से आपको पावर एफिशिएंसी भी ज्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप हैवी ग्राफिक पे गेम खेलना पसंद करते हैं जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, S4 9, मॉडर्न कॉम्बैट 5 जैसी हैवी गेम खेलना पसंद करते हैं, वो भी हाई ग्राफिक पे, तो डेफिनेटली आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग को लेकर आपको इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी।
तो ये हैं वो 6 रीजंस जिसकी वजह से आपको इस फोन का वेट करना चाहिए। अब डिपेंड करता है ओप्पो इस फोन को इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है। तो ये फोन का जो बेस वेरिएंट है वो चाइना में 19,000 में लॉन्च हुआ है। बाकी दोस्तों आप बताइए, क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या फिर कोई और फोन का इंतजार कर रहे हैं? आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।